Hello student, I am here Ravindra Kumar Sahu from Bharti College of Engineering and Technology. In this class discuss about channel fan of coding. Okay, previous class mein hum discuss kiye the aapke jo hai Hoffman coding. Okay, entropy jo hai aapke do two types coding bataya aapke maine. Pehla jo hai ek jo hai kya tha jo aapke maine Hoffman, theek hai, Hoffman coding tha. Okay, second mein jo aapka jo hai सैनन सैनन क्या था आपका जो फैन कोडिंग, ठीक है, ये टू टाइप्स है. तो कल हम डिस्कस किए थे जो है हाफ मैन कोडिंग के बारे में डिस्कस कर लिए थे, आज जो है सैनन फैन के बारे में क्या करेंगे डिस्कस की थी. सेम है एग्जांपल प्रीवियस क्लास का जो है क्वेश्चन लिए हैं आपका जो है केवल जो इस कोड को बदलेंगे सैनन फैन कोडिंग, ठीक है, सैनन फैन कोडिंग इसके बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे अपन जो है. ओके, तो प्रीवियस क्लास जो है फिर से ओरिजिनल क्या करता है मैसेज, ठीक है, सबसे पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर क्या करना है जो है ये दिया है आपका जो है ट्रॉपी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो है ठीक दिए हैं. तो फिर से हम क्या लिखेंगे ओरिजिनल मैसेज मेरे ओरिजिनल मैसेज डिफाइन करेंगे आपका जो है x1 x2 x3 x4 x5 x6. ओके, ये लिखिए आपका जो है x, आपका प्रोबेबिलिटी है जो आपका, ठीक है, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 0.30, का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.5, इसका वैल्यू दिया है आपका 0.15, इसका वैल्यू दिया है आपका 0.12, इसका वैल्यू दिया है आपके पास जो है 0.018, ठीक है 08, इसका वैल्यू दिया है आपके पास 0.10. ओके, भी आपके पास क्या है ओरिजिनल मैसेज है. अब इसको क्या करना है आपको जो है एक जो है क्या रहता है आपका जो है, ठीक है, अपर के साइन में जो है लिखते हैं एक जो है आपका जीरो के साइन में जो है, ठीक है, अपर साइन एक जो है लोअर साइन, ठीक है, इसमें क्या करता है असाइन करना रहता है अपने को जो है, ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो है इसको क्या करेंगे तो हम जो है एक जो है रिड्यूसेस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो रिड्यूसेस जो है स्ट्रक्चर जो है रिड्यूसेस स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे जो है, ठीक है. अब यहाँ पे रिड्यूसेस स्ट्रक्चर जो है तो मैं सामने लिख देता हूं आपके जो है ओके रिड्यूसेस स्ट्रक्चर है आपके जो है इस फॉर्म में है. तो हम जो लेते हैं जो है सपोज हम ले लिए जो है इस फॉर्म में ले लिए जो है S1 ले लिए, ठीक है, तो S1, ठीक है, तो पहले क्या करते थे आपका, ठीक है, हाफ मैन कोडिंग में क्या करते थे जो आपको जो है एड कर दिए थे सम कर दिए थे, ठीक है, तो अपर से अपर जो है हमको जो है साइड में लेना है, ठीक है. अब इसको क्या करना जो है मिनिमम से मिनिमम क्या करना है आपको जो है असाइन करना है. ओके, तो इसको हम 0.30 है, ठीक है, ऐड करते हैं 0.25, कितना वैल्यू आता है आपके पास जो है 0.55, ये वैल्यू आता है, ठीक है. उसके बाद क्या कर दिया हमने 35, ठीक है, 45 है, इसके वैल्यू पे असाइन किए कितना आ गया आपके पास जो है 0.45 आ गया वैल्यू दे, ठीक. तो इसमें जो है आपके जो है दोनों में इतना क्या है डिफरेंस है. इसमें क्या करते हैं आपका जो है वेट जो है एक जो है अपर साइड, अपर साइड में क्या करते हैं अपर साइन में क्या करते हैं 0.0 असाइन करते हैं और लोअर साइन में क्या करते हैं हम जो है 1.1 क्या करते हैं वेट जो है असाइन करते हैं. ओके, तो देखेंगे 0 जो है, ठीक है, अब क्या करते हैं हम जो है, ठीक है, इसको ऐड किए जो है, ठीक है,
इसको ऐड किया जो है, ठीक है 5.7, ठीक है, तो ये आपका जो है 0., ठीक है, अब ये 0.45 है, 0.55 है, इसको क्या कर दिया हमने, सम कर दिया, ऐड कर दिया, इतने से इतने आता है, तो ये वैल्यू जो है क्या है आपका जो है काम में जो है, ये क्या है आपका जो है हाईएस्ट वैल्यू है, ओके। तो एक डिफाइन करना है जो है आपका जो है अपर, ठीक है, अपर असाइन करना है, एक जो है आपका लोअर असाइन करना है, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दिए जो है, ठीक है, ऐड करने पे क्या आएगा आपका बस जो है 70 आ गया, ठीक है, इधर देते हैं, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा जो है, ठीक है, क्या आ गया आपके पास 70 आ गया, ठीक है, तो 70 जो है अगर ऐड कर दो फिर से तो ये क्या हो जाता है वैल्यू जो है क्या रहता है आपके पास जो है हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है, 70 जो है हाईएस्ट वैल्यू नहीं देना है आपने मुझे, ठीक है, एक जो है फिर जो है 0.55 और इवन 0.45 जो है एक जो है आपका जो है परफेक्ट असाइन वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू को हम ले लेते हैं जो है, ठीक है, अब एक अपर साइड है, ठीक है, अपर जो है तो इस वैल्यू को लेते हैं हम जो है, तो अपर साइड है, ठीक है, एक अपर साइड वैल्यू करेंगे जो है एस वन, ठीक है, तो इस वैल्यू को हम किए हैं जो है दोनों मिला है तो दोनों को क्या डिफाइन करेंगे, तो अपर में क्या लेते हैं हम जो है 0.0 डिफाइन करते हैं, तो इस वैल्यू को मैं क्या कर दिया मैंने, इस वैल्यू को जो है क्या कर दिया 0 डिफाइन कर दिया, इस वैल्यू को भी क्या कर दिया मैंने 0 डिफाइन कर दिया, ठीक है, अब बाकी वैल्यू आपके बचे हैं 0.45 0.12 0.08 0.10, ओके, अब इसमें क्या करना है जो है, अब ये लोअर साइड है, ठीक, तो लोअर में क्या करते हैं जो है अपन 1 डिसाइड, अपन क्या करते हैं असाइन करते हैं, तो ये मैंने यहां पे 1 असाइन कर दिया, ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके H2 पे, ठीक है, रेडियस स्ट्रक्चर पे जो है, ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू क्या है आपके 0 0 असाइन हो गया, ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहां से 0 0 है, ठीक है, फिर से जो है हम ये तो क्या है आपका अब 0 0 है दो पार्ट में, फिर से हम जो है 1 बिट में क्या करेंगे जो है असाइन करेंगे, ठीक है, जब तक कि आपका जो है 1 बिट ना आता जाए, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्लास में किए थे हम जो है हाफ वन कोडिंग में किए थे, जब तक कि आपका 1 ठीक है बिट नहीं आता जो है, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं आता, रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर नहीं आता जो है, तब तक ये स्ट्रक्चर क्या गया हम जो है करते रहेंगे, ओके, ये 1 बिट फिर से जो है आपका 0 0 है, ठीक है, अब यहां पे 0.5 आ गया, ये 1 बिट क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे, या तो 0 के फॉर्म में करेंगे या तो जो है आप जो है 1 के फॉर्म में करेंगे, ओके, फिर नेक्स्ट है आपका जो है, ठीक है, ये हो गया आपका जो है यहां तक का आपका जो है क्या हो गया रिड्यूस हो गया आपका जो है, ठीक है, अब यहां पे जो है क्या है नेक्स्ट जो है 0.15 0. ठीक है, अब यहां पे जो है फिर से क्या करेंगे ऐड करेंगे जो यहां से ऐड करोगे 0.10 और 0. क्या दिया है 0.8 दिया है, अब 18 का है यहां पे इसका क्या है 0.18 आ जाएगा, ठीक है ऐड करोगे, ठीक है, यहां पे क्या है हमारे पास जो है 0. क्या है अब आ जाएगा, इसको ऐड करोगे, ठीक है ये क्या आ जाएगा जो है 70, ठीक है, तो ये 18 आ जाएगा वैल्यू जो है, ठीक है, इससे क्या है आपका जो वैल्यू जो है क्या है लोएस्ट है, ठीक है, इस वैल्यू से यहां पॉइंट भी क्या है आपका 0.12 है, तो फिक्स क्या है आपका डी 10 पॉइंट पे है 18 क्या है आपका जो है हाईएस्ट बिट वैल्यू है, ओके, तो हाईएस्ट बिट वैल्यू है तो फिर से हम जो हाईएस्ट वैल्यू एक बार फिर स्ट्रक्चर पे आएंगे हम पर 0 0 डिफाइन करते हैं, फिर जो आपका जो है 0 0 क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, ओके, नेक्स्ट क्या है आपका जो है 1 1 है तो 1 1 ही क्या करते हैं रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका जो है S3 जो है, ओके, नेक्स्ट में क्या करेंगे जो है आपका जो है अब 0 0 है 0 0 क्या कर रहे हैं डिफाइन कर दिए, ठीक है, अब क्या करना है आपको जो है अब ये परफेक्टली आपका फिर से क्या है आपका जो है सेंडिंग वाला, ठीक है, अब इसमें क्या है ये तो 1 बिट में आ गया आपका जो है 0 0
आ गया, जीरो बना गया। अब फिर से ये क्या है, आपका जीरो जीरो है, इसको क्या करेंगे फिर से जो है वन बिट में क्या करेंगे जो है कन्वर्ट करेंगे, जो है या तो जीरो में करेंगे या तो वन में करेंगे, या तो वन जीरो जैसे भी आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर से इसको जो है आप फिर से वन वन है तो इसको फिर से क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे जो आपका जो जीरो और वन के फॉर्म में, ओके। इसके बाद क्या करते हैं हम जो है इसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट जो है कोड वर्ड में लिखते हैं इसको जो है कोड वर्ड, ठीक है। और इसका जो है प्रीवियस क्लास में जैसे किए थे लेंथ कितना है, ठीक है, ये देखते हैं जो है तो कोड वर्ड, ठीक है, कोड वर्ड में लिखेंगे आपका जो है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं जो है कोड वर्ड जो है डिफाइन करते हैं, यहाँ पे क्या है जीरो जीरो है तो जीरो जीरो, जीरो वन है जीरो वन है, ठीक है, वन जीरो जीरो है वन जीरो जीरो, 101 है 101, ठीक है, 110 है यहां पे 110 होंगे, ठीक है, 111, ओके। लेंथ का आपका क्या 00 है तो 2 हो गया, 01 हो गया फिर से 2 हो गया, 100 है 3 हो गया, 101 है यहां पे 3 हो गया, 110 है यहां पे 3 हो गया, 111 है यहां पे 3, ओके। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में पूछ देता है आपके एंट्रोपी पूछ देता है, एफिशिएंसी पूछ देता है, ठीक है, रिडंडेंसी पूछ देता है, ये सारे चीज आपके पूछते हैं क्वेश्चन में जो है, ठीक, आपका एंट्रोपी है। तो नेक्स्ट हम जो है क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं आपके एंट्रोपी, ओके। तो एंट्रोपी h होता है, ठीक है, h ऑफ n होता है आपका इक्वल टू जो है समेशन जो है i इक्वल टू 1, ओके, आपका ei i ये होता है, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं समेशन 6 जो है i इक्वल टू 1 is equal to क्या लिख सकते हैं हम जो है आपका pi log 2 1 upon pi आपका probability, तो probability दिया है हमारे पास जो है यहाँ पे 0.30, ठीक है, तो इसमें put करना है 0.30, okay, log 2 1 upon जो है 0.30 plus, okay, यहाँ पे 0.25 है log 2 है 1 upon जो है 0.25 प्लस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 0.15 log 2 1 upon 0.15 प्लस करेंगे फिर से 0.12 log 2 1 upon जो है 0.12 प्लस 0.08 है log 2 1 upon log, ठीक है, 1 upon 0.08, ओके, प्लस नेक्स्ट क्या है 0.18 है log 2 1 upon 0.10। अब इस सारे को क्या कर देंगे हम जो है ऐड कर देंगे आपके जो है, ठीक है, आपका टोटल आंसर आएगा जो है आपका 2.418 बिट, ठीक है। ये आपका क्या निकल जाएगा एफिशिएंसी निकल जाएगा h of n, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है l एवरेज है आपका, ठीक है, तो l एवरेज कहां से निकाल देते हैं आपका जो है l एवरेज जो है आपका जो है कहां से निकाल देते हैं आपका जो है लेंथ से निकाल देते हैं आपका जो है, ठीक है, ये वैल्यू दिया है आपका जो है 0.30 मल्टीप्लाई क्या है लेंथ का 2 है, ठीक है, प्लस करेंगे जो है 0.25, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है आपका 2 है प्लस 0.15 मल्टीप्लाई 3, ओके, फिर जो है प्लस 0.12 मल्टीप्लाई जो है 3 प्लस 0.08 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0.18 × 3, ये लेंथ है, लेंथ एवरेज ऐसे निकालते हैं, प्रीवियस क्लास में हम निकाले थे आपके जो है, ठीक है, ये निकालते हैं तो इसका टोटलिंग करते हैं आपके पास निकलता है जो है 2.45 बिट, ये आंसर निकल सकता है आपके पास जो है, ओके। इस तरह से आपका जो है एंट्रोपी निकाल लेते हैं, एल एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है।
अब इसका क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है आपको, बस एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आपका ईटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका जो है एस एन अपॉन जो क्या होता है एल एरेज। ओके, तो एफिशिएंसी निकाल लिए हम जो है 2.1418। ओके, यहां निकाल चुके हैं एल एवरेज निकाल चुके हैं, कितने निकालेंगे आपके पास जो है 2.45 ये निकल जाएगा आपके पास, टोटलिंग कितना आ जाएगा जो है 0.9869। ओके, 0.9869 ये आपका जो है टोटल आपका जो है एफिशिएंसी निकल जाएगा। ठीक है, इसी को हम जो है परसेंटेज में लिखेंगे आपके पास। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.9 8। ठीक है, ये क्या वैल्यू जो है 98.69% में लिखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसको जो है साइलेंट क्लब कोडिंग जो है क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं।